क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 1 गरुड़ा। इन हिंदू माइथोलॉजी मैनी गॉड्स आर नोन टू राइड देयर फेवरेट एनिमल्स। लॉर्ड गणेशा स्टेड इज अ माउस। गॉडेस काली सिट्स ऑन अ टाइगर। लॉर्ड शिवा स्टेड इज अ बुल एंड गॉड विष्णु सिट्स ऑन गरुड़ा। गरुड़ा इज अ बर्ड with the head and wing of an eagle and the body of a man। हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारे गॉड ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं जिनके कुछ फेवरेट एनिमल्स हैं। जैसे लॉर्ड गणेशा का फेवरेट एनिमल माउस है। गॉडेस काली टाइगर पे बैठती हैं। लॉर्ड शिवा का फेवरेट एनिमल है बुल एंड गॉड विष्णु उनका फेवरेट एनिमल गरुड़ा है। गरुड़ा एक बर्ड होता है जिसका हेड और विंग ईगल की तरह होता है, चील की तरह होता है, और उसकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके, वो इंसान की तरह होते हैं, मैन की तरह। सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ गरुड़ा बर्थ एंड डेट इज टोल्ड इन द फर्स्ट बुक ऑफ ग्रेट एपिक द महाभारत। तो जो गरुड़ा की जो भी स्टोरी है उसके बारे में, उसके जो वर्क के बारे में डिस्क्राइब किया गया है हमारी एपिक बुक में, महाकाव्य बुक में जो है महाभारत है, उसमें सब चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है गरुड़ा के बारे में। अकॉर्डिंग टू द एपिक व्हेन गरुड़ा बर्स्ट फ्रॉम एन एग ही अपीयर्ड एज अ रैगिंग इन्फर्नो। जब गरुड़ा एग से निकला तो वो रैगिंग इन्फर्नो की तरह बड़ा सा राक्षस, जैसे कोई दानव होता है, वो उस रूप में निकला था। Frightened the god begged Garuda for mercy. Hearing their pleas, Garuda reduced himself in size and energy. जब वो अंडे से अपने निकला तो जितने भी गॉड्स हैं सब उसे देख करके डर गए थे और उन्होंने गरुड़ा से मर्सी दया मांगा, उनकी प्लीज सुन के, उनकी रिक्वेस्ट सुन करके, रिक्वेस्ट जो उन्होंने की थी, रिक्वेस्ट सुन करके गरुड़ा अपने आप को साइज में और एनर्जी में रेड्यूस किया था। उसने अपनी साइज कम कर दी थी और एनर्जी भी थोड़ी कम कर दी थी। इन पिक्चर दिस माइटी बर्ड इज डिपिक्टेड कैरिंग विष्णु इन द स्काइज ऑन हिज बैक। पिक्चर में आप देखेंगे आगे कि इस बर्ड ने अपने बैक पे, अपने पीठ पे भगवान विष्णु को कैरी किया है और आसमान में उड़ रहा है। गरुड़ा सन इज जटायु द बर्ड हु वॉज किल्ड वाइल्ड ट्राइंग टू रेस्क्यू सीता फ्रॉम एविल रावणा। गरुड़ा का सन था जिसका नाम जटायु था। जटायु वो बर्ड है जो सीता को बचाते बचाते, रावण से बचाते हुए मर गया था। रीड द स्टोरी ऑफ गरुड़ा टोल्ड बाई नन अदर देन गरुड़ा हिमसेल्फ। तो हम स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें गरुड़ा के बारे में बताया गया है और इस स्टोरी को गरुड़ा ने अपने बारे में खुद ही बताया है। I am Garuda, the king of birds. I am one of the three principal animal deities in Hindu mythology. The other two are Ganesha, the monkey god. I am Vishnu's steed. I am the son of great sage Kashyapa. And my mother's name is Vinata. इसमें Garuda बताता है कि वो अपने वो birds का king है और वो थ्री प्रिंसिपल एनिमल डाइटीज़ है अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू माइथोलॉजी। जो हमारी हिंदू पौराणिक कथा है उसके अकॉर्डिंग जो गरुड़ा है वो थ्री प्रिंसिपल एनिमल डाइटीज़ है, जिनमें से जो टू गॉड हैं उनके नेम हैं लॉर्ड गणेशा एंड द मंकी गॉड, जिनको हम हिंदी में हनुमान जी बोलते हैं। और जो गरुड़ा है वो भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ा एक संत का बेटा था, सेज मतलब होता है संत। गरुड़ा एक संत का बेटा था जिनका नाम कश्यप था और उसकी मम्मा का नाम विनेता था, मदर का नाम विनेता था। शी इज द डॉटर ऑफ किंग दक्षा। माई मदर टेल मी डैट हेड विंग टेलॉन एंड द बीक ऑफ एन ईगल एंड द बॉडी एंड लिम्स ऑफ मैन। जो गरुड़ा की जो मम्मी थी, उसकी जो मदर थी, वो राजा दक्ष की बेटी थी और उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि जो हेड, उसका जो हेड है
विंग्स है और टेलॉन, टेलॉन मतलब होता है उसके जो पंजे हैं वो ईगल की तरह है, और जो उसकी जो पूरी बॉडी है और लिम्स है, लिम्स मतलब होता है अंग, उसकी बॉडी और लिम्स मैन की तरह है। माई फेस वॉज वाइट एंड माई बॉडी वॉज गोल्डन विथ रेड विंग। गरुड़ा का फेस वाइट कलर का था और उसकी बॉडी गोल्डन कलर की थी, और उसके जो विंग्स थे, जो उसके पंख थे, वो रेड कलर का था। व्हेन आई वॉज बॉर्न आई वॉज सो ब्रिलियंट एंड ह्यूज डैट आई वॉज मिस्टेकन फॉर अग्नि द गॉड ऑफ फायर। जब गरुड़ा बॉर्न हुआ था, जब गरुड़ा पैदा हुआ था, तो वो बहुत ब्रिलियंट और ह्यूज था, जिसे कि वो गलती से अग्नि के रूप में माना जा रहा था। अग्नि द गॉड ऑफ फायर। पीपल एक्चुअली केम टू वर्शिप मी एंड फियर्ड डैट आई वुड बर्न डाउन एवरीथिंग। जो वहाँ के आसपास के लोग थे, वो लोग आते थे और उसको वर्शिप करते थे, उसे देखते थे और उसे देख कर के डर जाते थे कि कहीं ये सब चीज़ जला ना दे, बर्न ना कर दे। दे प्रेड एंड आई रिड्यूस्ड माई एनर्जी एंड साइज। फिर वो लोग, जितने भी लोग थे, वो उससे प्रे करते थे, और तब जब उनकी प्रार्थना सुन करके गरुड़ा अपना साइज और अपनी एनर्जी रिड्यूस कर दिया था, कम कर दे गया था। आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल एंड आई हेटेड एविल एंड विक्ड पीपल राइट फ्रॉम माई बर्थ। गरुड़ा बहुत ही पावरफुल था, और वो एविल मतलब कि जो भी ऐसे लोग जो बहुत जो बदमाशी करते थे, जो बहुत दुष्ट काम करते थे, वो उनको हेट करता था अपने जन्म से ही। When I grew up, I roamed about the universe, swallowing the evil doors. Evil doors मतलब दुष्ट करता, जो गलत काम करते थे। जब गरुड़ा बड़ा हुआ, तो वो पूरे यूनिवर्स में राउंड लगाता था, और जितने भी evil doors थे, उनको swallow कर जाता था। Swallow मतलब निगल जाता था। I hate snakes. मैं स्नेक्स को हेट करता हूँ, गरुड़ा बोलता है, मुझे स्नेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं उनसे नफरत करता हूँ। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, उनसे नफरत करने का एक रीज़न है। इट इज़ सो हैपेंड डैट माई मदर वंस लॉस्ट अ बेट ऑफ माई स्टेप मदर कदरू। गरुड़ा की एक स्टेप मदर थी, स्टेप मदर मतलब सौतेली मम्मी थी उसकी, सौतेली मदर थी, जिन्होंने गरुड़ा की मदद से बेट लगाया था। उनकी सौतेली मदर का नाम था कदरू, उन्होंने गरुड़ा की मदद से बेट लगाया था, उनसे एक चैलेंज लगाया था, शर्त लगाया था। तो आइए देखते हैं। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर द कलर ऑफ द हॉर्स उच्च श्रवाश विच वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशियन। उन्होंने किस पे चैलेंज लगाया था, एक आर्ग्यूमेंट था कि जो हॉर्स है जिसका नाम उच्च श्रवाश है, वो कब हुआ था, वो समुद्र का जब मंथन हो रहा था तब वह पैदा हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था वो, तो उसके कलर के ऊपर शर्त लगा रहे थे कि वो किस कलर का है। ईच ऑफ देम चोज अ कलर एंड लेड अ वैगन। जो उनकी दोनों मम्मी थी, जो स्टेप मदर थी और जो उसकी उनकी जो रियल मदर थी, वो दोनों ने अपना अपने 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 अकॉर्डिंग एक कलर चूज़ किया, और उन्होंने क्या किया, फिर चैलेंज रखा, शर्त रखी। अकॉर्डिंग टू द वेगर द वन हु लॉस्ट वुड बिकम द अदर्स स्लेव। शर्त के अनुसार जो भी ये शर्त हारता है चैलेंज के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग किसी से चैलेंज रखते तो हम लोग हारने वाले का भी एक पनिशमेंट रखते हैं, तो इसमें इन लोगों ने एक पनिशमेंट रखा था कि जो भी ये हारेगा इस चैलेंज को, वो जीतने वाले का स्लेव बनेगा, स्लेव मतलब नौकर बनेगा। ये उन दोनों की शर्त थी। तो इस तरीके से उन लोगों ने शर्त रखी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कौन शर्त जीतता है। अनफॉर्चुनेटली माई मदर लॉस्ट द बेट एंड एज पर एग्रीमेंट माई स्टेप मदर प्रेजेंट माई मदर इन द डार्क अंडरवर्ल्ड कॉल्ड पटाला। फियरसम स्नेक्स गार्डेड हर ऑल द टाइम, नो वन कुड गो नियर हर। फिर क्या हुआ था, शर्त तो उन्होंने रख ली, लेकिन शर्त हारा किसने था, यस, जो गरुड़ा की जो मदर थी, जो उसकी रियल मदर थी, उन्होंने शर्त हारा था। तो जो उसकी जो स्टेप मदर थी, जिसने शर्त जीता था, उसने उसकी गरुड़ा की मदर को
जेल में कैद कर लिया था, अंधेरे जेल में, जिसको वहाँ के लोग क्या कहते थे, पटाला कहते थे। वो बिल्कुल अंधेरा रहता था और उसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया था, गरुड़ा की मदर को। किसने बंद किया था? गरुड़ा की स्टेप मदर ने बंद किया था। कहाँ पे? पटाला में। पटाला क्या है? एक जेल जैसा रूम है जो पूरा डार्क होता है, पूरा अंधेरा रहता है। कुछ फियरसम स्नेक, फियरसम स्नेक मतलब होता है कुछ डरावने स्नेक, हर टाइम गरुड़ा की मदर के जो केज है, जो जेल था, उसके बाहर हमेशा खड़े रहते थे, गार्ड करते रहते थे कि कोई अंदर ना जा सके ना वो बाहर जा सके। एंड नो वन कुड गो नियर हर, और कोई उनके आसपास नहीं जा सकता था, किसी को भी परमिशन नहीं थी उनके पास जाने की। When I heard about my mother's imprisonment, I rushed to the underworld and asked the serpents to release her. They agreed to do so only if I brought to them the celestial drink, the nectar or the drink of immorality in exchange. जब गरुड़ा को पता चला था कि उसकी मम्मी, उसकी जो मदर थी वो कैद हो गई थी, तो वो तुरंत गया अपनी मदर के पास जो कि अंडरवर्ल्ड में था, जिसे हम लोग पटाला के नाम से जानते हैं। और वहाँ जाकर जो सर्पेंट्स थे, सर्पेंट्स मतलब जो स्नेक थे, उनसे बोला कि उसकी जो मदर है उनको रिलीज़ कर दे, छोड़ दे। और फिर वो लोग एग्री हो गए थे, जो स्नेक्स थे वो एग्री हो गए थे कि ठीक है मैं इन्हें छोड़ दूँगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये थी कि वो चाहते थे कि एक सेलेस्टियल ड्रिंक मतलब होता है कि हेवनली ड्रिंक, जिसको हम लोग अमृत कहते हैं, अमृत के नाम से वो जाना जाता है, जो आकाशीय ड्रिंक होता है, जिसे पीने से बहुत सारे हमारे पास पावर्स आ जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि जो गरुड़ा है वो जाए और ये ड्रिंक को लेकर के आए, और फिर अपनी मदर को वो यहाँ से छुड़ा करके ले जाए। नाउ दिस वॉज नो ईजी टास्क, और ये इसे लेकर के आना ये बहुत इजी टास्क नहीं था। द एलिक्सिर वॉज इन पोसेशन ऑफ द गॉड्स हु गार्डेड इट विद ऑल द माइट। एलिक्सिर मतलब, किसी को पता है, एलिक्सिर एक मेडिकल सॉल्यूशन होता है, जो कि जिसे अमृत के नाम से हम लोगों ने बोला था, ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि भगवानों के द्वारा गार्ड किए जाते थे, और उसे लाना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसे लाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे जो बाधाएं होती, उसे पार करना रहता था। आई इमीडिएटली फ्लू टू द सेलेस्टियल माउंटेन वेयर द ड्रिंक वॉज केप्ट। द गॉड हैड सिक्योर्ड द नेक्टर विद सच ऑब्स्टेकल दैट नो पर्सन और डेमोन कुड ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल्स। स्नेक्स की शर्त सुनने के बाद जो गरुड़ा था वो तुरंत सेलेस्टियल माउंटेन की तरफ गया, जहाँ पे वो सेलेस्टियल ड्रिंक रखा गया था। वो सेलेस्टियल ड्रिंक किसके अंडर में था? गॉड्स के अंडर में था, वो उनकी वहाँ पे रक्षा करते थे। और वहाँ से उसे लाना बहुत मुश्किल था, बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ, बाधाएँ बहुत सारे थे उसे लेकर के आने के लिए। इतने कठिन थे वो सारे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन या कोई भी जो डेमोन है, किसी के जिनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था उसे वहाँ से लेकर के आना। मोर ओवर वेन द गॉड केम टू नो दैट आई हैड कम टू टेक द एलिक्सिर, दे देमसेल्फ केम आउट इन देयर फुल बैटल ड्रेस टू फाइट मी। जब जो गॉड्स थे, जो सेलेस्टियल ड्रिंक की रक्षा कर रहे थे, उनको पता चला कि गरुड़ा आया है ड्रिंक लेने के लिए, तो वो सब बाहर आए अपने बैटल ड्रेस में, लड़ाई लड़ने के लिए वो सब अपने ड्रेस यूनिफॉर्म पहन करके बाहर आए उनसे, गरुड़ा से लड़ने के लिए। आई फॉट विद देम वेरी ब्रेवली एंड स्कैटर्ड देम। गरुड़ा बोला मैं उन्हें उनसे बहुत बहादुरी से लड़ा और उन्हें बिखेर दिया। स्कैटर्ड देम मतलब बिखेर दिया, चारों तरफ जो भी गॉड्स थे उनसे बहुत ब्रेवफुली, बहुत स्ट्रांगली गरुड़ा ने लड़ाई किया और उन्हें हरा दिया।